बात है 1780 की, जब इंसान ने इलेक्ट्रिसिटी को आसमान में कड़कने वाली बिजली के रूप में देखा था। उसी दौरान इटली के एक वैज्ञानिक और एनाटॉमी के लेक्चरर ल्यूजी गाल्वानी पंछियों और मेंढक की शारीरिक रचना का अध्ययन कर रहे थे। एक दिन गाल्वानी ने देखा कि टेबल पे रखे कटे हुए मेंढक का पैर हिल रहा। इसी समय आसमान में बिजली कड़क रही थी और उनके मन में क्यूरियोसिटी पैदा हुई, कहीं ये इसी बिजली की वजह से तो नहीं। ये जानने के लिए उन्होंने कुछ प्रयोग किए। मेंढक के पैर को मेटल के हुक से एक लोहे के रेलिंग में लटकाया और देखा कि बिना थंडरस्टॉर्म के ही पाव हिल रहा है। उन्होंने जब मेटल वायर के टुकड़े से मेंढक के नर्व को मसल से कनेक्ट किया तब भी मसल कंट्रैक्शन हुआ, यानी कोई एक्सटर्नल सोर्स के बिना ही कंट्रैक्शन हो रहा था जिससे पांव हिलता दिख रहा था। इन सब प्रयोगों से गाल्वानी ने ये कंक्लूड किया कि मेंढक के टिश्यू में ही बिजली उत्पन्न हो रही है जो उसके मसल्स को एक्टिवेट कर रही है। उन्होंने इस इलेक्ट्रिसिटी को नाम दिया एनिमल इलेक्ट्रिसिटी। इसी समय के दौरान इटली के एक और साइंटिस्ट अलेसेंड्रो वोल्टा ने गाल्वानी का ये रिसर्च पढ़ा और उन्हें ये बात काफी इंटरेस्टिंग लगी, लेकिन उनका ये मानना था कि बिजली मेंढक के पैर के वजह से नहीं बल्कि दो अलग मेटल्स के कॉन्टेक्ट में आने से पैदा हो रही है। वोल्टा ने अपनी थियोरी को टेस्ट करने के लिए दो अलग मेटल्स सिल्वर और जिंक के डिस्क बनाए, फिर एक जिंक के डिस्क पर सॉल्ट वाटर में सोक किया हुआ कार्डबोर्ड डिस्क रखा और उसके ऊपर सिल्वर के डिस्क को कुछ इस तरीके से रखा। इस वोल्टेक पाइल को जब वो अपने जीभ या शरीर से टच करते थे तो उन्हें एक शॉक लगता था। वोल्टा का ये मानना था कि मेंढक का पैर सिर्फ एक मीडियम है जो इलेक्ट्रिसिटी को ड्राइव कर रही है, और इसे गीले कार्डबोर्ड से रिप्लेस करके ये दिखाया कि इलेक्ट्रिसिटी एनिमल की वजह से नहीं बल्कि दो मेटल्स के पोटेंशियल डिफरेंस से आ रही है। ये दुनिया का सबसे पहला डिवाइस था जो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी दे सकता था। नमस्ते, मैं हूं श्रीशा और आज हम वोल्टा की तरह एक बैटरी बनाएंगे, पर कुछ ऐसी चीजों से जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, इन 5 रुपयों के सिक्कों से। कोई भी बैटरी की तरह हमारी बैटरी भी सेल से बनेगी। हर एक सेल को एक सैंडविच के रूप में सोचा जा सकता है। सैंडविच के ब्रेड्स को हम इलेक्ट्रोड मान लेते हैं जो यूजुअली तो अलग मेटल से बने होते हैं, और इसके फिलिंग को हम इलेक्ट्रोलाइट मान लेंगे। सेल के ये लेयर्स एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं जो हम जब चाहे तब इस्तेमाल कर सकते हैं। खूब सारे सेल्स को इकट्ठा कर लें तो बैटरी बन जाती है। एक बैटरी बनाने के लिए हमें चाहिए करीबन 10 5 रुपये के सिक्के, पतला कार्डबोर्ड, एल्यूमिनियम फॉइल, टिश्यू पेपर, विनेगर या नींबू का जूस, कैंची, पेंसिल और LED। सबसे पहले कार्डबोर्ड पे सिक्के को रख के पेंसिल से गोल आकार बनाएंगे, फिर उसे काट लेंगे। इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे जब तक हमारे पास कॉइन्स जितने कार्डबोर्ड डिस्क हो जाए। फिर एक एल्यूमिनियम फॉइल का पीस लेके उसे 4 टाइम्स फोल्ड कर लेते हैं। कॉइन को फॉइल पे रख के गोल आकार बना लेते हैं और फिर उस शेप को काट लेते हैं। अब हमें सिर्फ इन डिस्क को अलग करना है। अब अपने कार्डबोर्ड डिस्क को हम विनेगर या नींबू पानी में 1 मिनट के लिए भिगो देते हैं। नींबू पानी इसमें इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। करीबन 1 मिनट के बाद कार्डबोर्ड डिस्क को एक टिश्यू पेपर में रख लेते हैं ताकि कार्डबोर्ड का एक्स्ट्रा पानी वो सोख ले। अब हम अपना सैंडविच यानी सेल बनाने के लिए तैयार हैं। पहले एक कॉइन को ले लेते हैं, उस पे नींबू पानी वाला कार्डबोर्ड डिस्क और उस पे एल्यूमिनियम फॉइल का एक डिस्क रख देंगे और ये बन गया एक सेल। देखते हैं कि ये सेल LED जला पाता है या नहीं। LED के लंबे पांव को कॉइन से और छोटे पांव को फॉइल से टच करने पर सर्किट पूरा हो जाएगा। पर क्या LED जल रहा है? नहीं। LED को जलाने के लिए हमें और पावर देना पड़ेगा और इसके लिए और सेल्स की जरूरत होगी। अब हम और सेल्स ऐड करते जाएंगे और हर एक सेल के एडिशन के बाद LED चेक करते जाएंगे। कुछ सेल्स के बाद हमारी LED जल जाती है। ये बन गया बैटरी अपने रोज इस्तेमाल में आने वाली चीजों से। आप भी कॉइन्स इकट्ठा करें और बैटरी बनाएं और हमें बताएं कि कितने सेल्स लगे एक LED को जलाने के लिए। सेल को ऐड करते समय ध्यान रखें कि एल्यूमिनियम फॉइल का हिस्सा नीचे दूसरे कॉइन्स को टच ना करे, नहीं तो आप अपनी बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ये बना एक प्रकार का सैंडविच, पर सब लोग एक जैसा सैंडविच बनाए ये थोड़ी चलेगा। जैसे हमने नींबू पानी का इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इस्तेमाल किया, वैसे ही आप नमकीन नींबू पानी, नमक का पानी, ऑरेंज जूस, विनेगर या कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अलग अलग रुपयों के सिक्कों का इस्तेमाल करके भी देख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि नींबू पानी जो एक इलेक्ट्रोलाइट है उसका इस बैटरी में क्या रोल है। वोल्टा की बैटरी में जिंक और सिल्वर मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स के प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शंस होते हैं और करंट प्रोड्यूस होता है। आपने नॉर्मल बैटरी तो यूज की होगी जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस बने होते हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड किस तरफ है ये बताते हैं। वोल्टा की बैटरी में जिंक नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स हैं और सिल्वर पॉजिटिव। करंट तब पैदा होता है
जब इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ खींचते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का लूप बनता है। इस लूप को पूरा करने के लिए मेटल इलेक्ट्रोड्स के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स की भी जरूरत होती है, जो चार्ज्ड पार्टिकल्स को इजीली फ्लो करने दे। जब एलईडी को कनेक्ट करते हैं तब एक क्लोज सर्किट बनता है और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगते हैं। इससे हमारी एलईडी जल जाती है। हमारे बैटरी में एल्यूमिनियम फॉइल नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और 5 का सिक्का पॉजिटिव। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट ना रखें और सिर्फ इन मेटल्स का पाइल बनाए तो कितना भी कोशिश करें एलईडी नहीं जलेगी। जैसे चटनी और सॉस के बिना सैंडविच में मजा नहीं आता, वैसे ही इलेक्ट्रोलाइट के बिना कॉइन बैटरी बन नहीं पाता। सोचिए, अगर गैल्वेनी ने मेंढक के पांव को हिलता देख इतने इन्वेस्टिगेशंस नहीं किए होते तो क्या हम बैटरीज इतनी आसानी से इस्तेमाल कर रहे होते? तो अगली बार जब आपके घर में बिजली जाए तो नींबू पानी और सिक्कों की बैटरी से बिजली को वापस लाए। थैंक यू।